ओपीएस नियम लागू करने मुख्यमंत्री उद्देश्य से धर्मगढ़ उपजिलापाल कलाहांडी शिक्षक संघ तरफ दावीपत्र प्रदान। कलाहांडी जिला धर्मगढ़ सब डिविजन ठारे शिक्षक संघ सरकारी बेसरकारी एग्रीकल्चर संघ मानक एक विराट आंदोलन हो आंदोलन धर्मगढ़ भंडार घरियाणी मंदिर ठार आरंभ सब कलेक्टर अफिस् पर्यंत अब्याहत रही। जयपटना ओपीएस तापस रंजन पंडा, जूनागढ़ ओपीएस संघर राजेश कुमार सेठी, कलमपुर शिक्षक संघर सभापति शुभेन्दु कुमार पंडा, कोक्सरा ओपीएस संघर दिलीप साहू, गोलमुंडा ओपीएस संघर विश्वजित नेगी एवं धर्मगढ़ ओपीएस महासंघ सभापति ललिता नायक, संपादक संजीव पाढ़ी और राज्य संपादक विक्रम चंद्र सागर प्रमुख भूमिका ग्रहण करते तथा समस्त सातगोटी ब्लकर सदस्य हजार मात्रा रे योगदान देते। यह आंदोलन मुख्य भूमिका रे धर्मगढ़ प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला नर्सिंग एसोसिएशन रही, जिला एक्स केडर प्राथमिक शिक्षक संघ, एनपीएस कलाहांडी संघगुड़िकर कर्मकर्ता माने जोगदे एनपीएस रो नियम उच्छेद एवं पीएस रो नियम लागू करबा निमन्ते आंदोलन करथिले। उक्त सरकार 2004 मसिया रे जो एनपीएस उच्छेद कले नूतन पेंशन योजना लागू करा जायछि एवं ओपीएस को उच्छेद करा जायछि तार दाबी रे आज आम ए रैली करछु। आज उद्देश्य होउछि जे नूतन पेंशन योजना माध्यम रे जेतेबेले शिक्षक एवं अन्यान्य एनपीएस योजना भुक्त कर्मचारी अवसर प्राप्त करछन्ती सेमाने केवल 2200-2500 पेंशन पाउछन्ती, किंतु ओपीएस लागू कले आमे सरकार को ठारो ठीक भाव में तार न्याय्यता भी हासिल कर पारिबु एवं एही नूतन पेंशन योजना थिले आमे आमर अवसर समय पर आमर पेट को दाना खंडे मत मिली ना, तेणु आज दाबी हूँ ओल्ड पेंशन पुराना पेंशन लागू करने। शिक्षक नुह एग्रीकल्चर नर्सिंग एवं जितकी अच्छा राज्य सरकार अधीनस्थ एनपीएस कर्मचारी भुक्त ओपीएस व्यवस्था केमी एनपीएस नामक व्यक्ति ओपीएस व्यवस्था लागू करने गोटे उपजिलापाल थ्रू तरफ उपजिलापाल जरिया मुख्यमंत्री गोटे दाबीपत्र दौ सर। उक्त दाबीपत्र सर्तटी रही सबु सरकारी व्यक्ति मानक अवसर पर जो नियम आगु सरकार लगे ताबे नूतन नियम लागू कर पेंशन टी प्रत्याहर करवाई सरकार पाखे अनुरोध करते। सर्वशेष जिला ओपीएस सभापति ललित कुमार नायक उक्त दाबीपत्र सब कलेक्टर को प्रदान कर धर्मगढ़ ओपीएस संघर संपादक संजीव कुमार पाढ़ी आंदोलनकारी धन्यवाद ज्ञापन करते। कलाहांडी चंद्रशेखर पॉल रिपोर्ट डुमाणी टीवी।